हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निकुंज से आपका स्वागत करता हूँ रेस्टोरेंट मास्टर क्लास में। दोस्तों मास्टर क्लास के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे बनती है रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम तवे पर तेल गरम कर लेंगे। सबसे अच्छी पाव भाजी तो तवे पर ही बनती है, वो पक्की बात है, क्योंकि तवे की जो मोटाई होती है वही पाव भाजी को खास बनाती है उस पर। अगर आपके पास कोई सा भी बर्तन हो तो वो भी चल जाएगा। दोस्तों जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है उसके बाद में हम ऊपर से थोड़ा डालेंगे जीरा, और जीरा को बिल्कुल लो फ्लेम पर भून लेंगे अच्छे से। जीरा जल ना जाए वो खास बात का ध्यान रखना है। दोस्तों जैसे ही जीरा हमारा थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाता है वैसे ही हम डालेंगे गार्लिक का पेस्ट। गार्लिक को डालने के बाद में हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो गार्लिक का रो स्मेल है वो चला जाए और एक अच्छी खुशबू आए हमारी पाव भाजी में। दोस्तों जैसे ही हमारा गार्लिक पकने लगता है तुरंत ही हम डाल लेंगे अनियन, फाइनली चॉप अनियन डाल दिया हमने, और हम प्याज को भी वैसे ही भून लेंगे जैसे गार्लिक को भुना था अच्छे से, ताकि उसकी भी एक खुशबू आए हमारे पाव भाजी में। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे। दोस्तों जैसे ही थोड़ा प्याज लाइट ब्राउन होता है हम डालेंगे थोड़ा कैप्सिकम, कैप्सिकम बारीक कटे हुए कैप्सिकम है ये, इसको भी अच्छी तरह से हम चलाएंगे ताकि ये पूरा है पक जाए। दोस्तों अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो हमारा ये प्याज कैप्सिकम और लहसुन है उसको पकने में मदद मिले। अब हम डालेंगे टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर, इसको भी अच्छी तरह से हम चला लेंगे ताकि सब कुछ है एक साथ ग्रेवी जैसा बन जाए। दोस्तों टमाटर डालने के बाद जब थोड़ा पानी उबलने लगे तब हम तुरंत डाल देंगे हरे मटर, और साथ ही में हम डालेंगे फूलगोभी। फूलगोभी को थोड़ा बॉईल कर लिया गया है हल्दी वाले पानी में ताकि ये अच्छा कलर दे और पकने में भी आसानी रहे, और ऊपर से डालेंगे थोड़ा आलू, बॉईल किया हुआ आलू, उबला हुआ आलू। आलू डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि जो पूरा वेजिटेबल्स है वो सब मिक्स हो जाए और एक ग्रेवी फॉर्म करने लगे। ऊपर से थोड़ा धनिया डालेंगे हम, और थोड़ा बटर, इसको एक बार फिर से अच्छी तरीके से चला लेंगे। और अब बारी आएगी मसालों की। सबसे पहले नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा पानी। पानी डाल के फिर से इसको पकाएंगे ताकि ये जो पूरा मसाला एक साथ आ जाए और सभी अच्छी तरह से एक साथ घुल मिल जाए। हमें इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और अब हम डालेंगे पाव भाजी का जो मसाला आता है वो, हम यहाँ पर पाव भाजी का एवरेस्ट मसाला यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हो। फिर से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब दोस्तों ये थोड़ा पकने लगे तब हम इसको बारीक कर लेना है। जैसे ये पकता जाएगा ये बारीक होता जाएगा ग्रेवी जैसा, जैसे हमें पाव भाजी मिलती है। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है इसलिए हम इसको अच्छे से पीस लेना है सबको। अब जैसे ही आप इसको कूट लेंगे उसके बाद में मैश करने के बाद में हम सब ये भाजी है उसको इकट्ठा कर लेंगे तवे के बीच में। फिर से डालेंगे थोड़ा हरा धनिया, थोड़ा सा तेल, लाल मिर्च पाउडर, और इसको फिर से एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे। दोस्तों तेल आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पहले से ज़्यादा तेल डालोगे तो शायद भाजी अच्छी नहीं बनेगी, पर आपको ऐसा लगता है
कि इसमें तेल की काफ़ी कमी दिख रही है, तो आप ऊपर से भी तेल डाल सकते हैं। अब इसको आपको चलाते रहना है और धीरे धीरे पकाते रहना है। तो दोस्तों हमारी भाजी यहाँ पर तैयार है और अब हम बनाएंगे पाव। पाव को सेक लेना है तवे पर। सबसे पहले बटर, बटर को अच्छी तरह से पिघल लेंगे और जैसे ही बटर थोड़ा पिघल जाएगा ऊपर से डालेंगे पाव। पाव को हम बिल्कुल धीरे आंच पर रोस्ट करेंगे ताकि अच्छा बटर का फ्लेवर बना रहे पाव में और सॉफ्ट भी रहे। इसे पलटते रहना है बारी बारी। देखिए हमारे पाव भी ऑलमोस्ट तैयार है, ऊपर से थोड़े थोड़े सुनहरे दिखने चाहिए। चलो दोस्तों हमारे पाव भी तैयार हो गए हैं। अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो लीजिए दोस्तों तैयार है हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल पाव भाजी। अब प्याज नींबू टमाटर के साथ सर्व कीजिए, ऊपर बटर डाल के, ताकि मजा बना रहे बटरी पाव भाजी का। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मास्टर क्लास का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट में अवश्य से दीजिएगा। और मास्टर क्लास के अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे बनता है काजू बटर मसाला। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।